जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूँ डायनामैक्स और आज हम लोग खेल रहे हैं पोकेमोन एपिसोड्स द जर्नी ऑफ ऐश। तो भाई लोग, लास्ट टाइम हमने ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीत लिया था हमारे प्राइमेप के साथ। एक्चुअली प्राइमेप ने तो एक दो बैटल्स ही की थी, बाकी सब तो आइविसॉर की वजह से जीते थे, और सेलेडॉन सिटी जिम लीडर एरिका को भी हरा दिया था। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारी जर्नी पर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये रूट 16 पे आ चुके हैं हम, और ऊपर एक और रास्ता कहीं जा रहा है, तो पहले इस पे चलते हैं। और भाई इसी के साथ हमने हमारी टीम के बाकी पोकेमोन्स को, वाटरटल हो गया, पिजियोटो हो गया, इनको भी बाकी पोकेमोन्स के लेवल के आसपास पहुंचा दिया है, ताकि टीम की लेवल भाई थोड़ी बराबरी की रहा यार, कोई पीछे ना छूटे। और ये एक पावर प्लांट है, तो भाई अगर आप लोगों को याद हो तो पावर प्लांट में कौन सा पोकेमोन मिला था ऐश को, शायद हमें भी यहाँ वही पोकेमोन मिलने वाला हो। चलो देखते हैं कहाँ छुप के बैठा है वो पोकेमोन। और भाई रिपेल यूज़ करने के बाद भी वाइल्ड ग्रैमर आ गया, मतलब हमें टीम में आगे एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को लगाना पड़ेगा जिसकी लेवल थोड़ी ज़्यादा हो। तो हमारा हाईएस्ट लेवल का पोकेमोन जो है वो है पिकाचू, उसे ही लगाते हैं आगे। और भाई अगर आप लोग ये गेम डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गेम डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गेम डाउनलोड करके खेल सकते हैं। थोड़ी भूल भुलैया टाइप की है यार ये, अब तक तो कुछ नहीं मिला। कहाँ छुपा है तू, देखें यार कहाँ पे छुप के बैठा है। ये रहा भाई, तो ये रहा मक। और भाई फाइनली ऐश की टीम में आ चुका है मक, मज़ा आ जाएगा यार। अब तो आगे की जिम बैटल्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं मक के साथ। चल भाई अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ और होगा। ये रास्ता किस साइड जाता है, एक और पोकेबॉल है यहाँ पे, इसमें है TM-17 प्रोटेक्ट। चलो भाई अब तक तो सब सही चल रहा है। और भाई आप लोग पोकेमोन जर्नी देख रहे हो या नहीं, क्योंकि अगला एपिसोड जो आने वाला है पोकेमोन जर्नी का, भाई बहुत शानदार है। और यहाँ थंडरस्टोन मिल चुका है भाई, तो एक कमेंट ये भी करना कि हमें पिकाचू को इवॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि थंडरस्टोन यूज़ करके हम इवॉल्व कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक होगा मैं इवॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि यार पिकाचू ही हट गया तो मतलब पूरी स्टोरी बदल जाएगी रे, मतलब पिकाचू तो रहना चाहिए यार, उसे इवॉल्व नहीं कर सकते हम। चलो यार मक को देख लेते हैं, इसके पास कौन कौन से मूव्स हैं। इसके पास एबिलिटी स्टेंच है, मतलब अगर हमने पहले अटैक किया काफ़ी चांसेस हैं अपोनेंट को फ्लिंच कर सकते हैं। या इसके पास एक मूव फ्लिंग है, जो आइटम की पावर के बेसिस पे डैमेज देता है, मतलब आइटम फेंक के मार देता है या क्या करता है। बाकी स्लज वेव, स्लज बॉम्ब दोनों ही तगड़े पॉइजन टाइप मूव हैं। और बॉडी स्लैम मक का तो आप जानते हुए हो यार, मक ने बॉडी स्लैम से बेलस्प्राउट को निपटाया था, जो ऐश की टीम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो भाई पोकेमोन जर्नीज में वो इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर था यार, उसका क्या नाम है, उसका नाम याद नहीं है। एक्चुअली नारुतो में सेम टू सेम उसी के जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर है, एक बहुत ही एलीट कैरेक्टर है मिनाटो नामिकाजे, तो मैं तो भाई उसी नाम से जानता हूँ उसे। बाकी वो ट्रेनर भी बहुत तगड़ा था यार, उसके पास भी एज अ स्टार्टर पोकेमोन पिकाचू ही था। और यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं, और ये चचा ने हमें एक तगड़ा आइटम दिया है। बाकी ये बंदा बंदी जो थे ये साइकिलिंग पे जाने वाले हैं, बताओ, ज़रा ज़रा से बच्चों के पास गर्लफ्रेंड है और हम लोग अभी भी सिंगल ही बैठे हैं, क्या यार। वैसे अगला जो पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड आने वाला है, उसके ट्रेलर में ये भी बताया था कि ऐश जी मूव यूज़ करेगा एक बार फिर से। तो भाई और इसी के साथ साथ ऐश ने गेंगार, लुकारियो और पिकाचू अगली बैटल में इन तीन पोकेमोन्स को ले रहा है, तो भाई अगला एपिसोड तो बहुत ही जानदार होने वाला है यार, कसम से मज़ा ही आ जाएगा। और ये हम आ चुके हैं साइकिलिंग रोड की एंड पे, यहाँ भी ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं,
देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये ब्राउन बाल वाला लड़का और ये ट्रेड करना चाहता है, तो रहने दे भाई, फिलहाल ट्रेडिंग में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी पूरी टीम बहुत ही भयंकर पोकेमोन से भरी हुई है, तो नहीं, ट्रेडिंग कैंसिल। तो भाई हम आ चुके हैं फ्यूशिया सिटी जिम, फ्यूशिया सिटी में, और ये रहा फ्यूशिया सिटी जिम, जहाँ का जिम लीडर एक होगा द पॉइजनस निंजा मास्टर। चलो भाई अगली जिम बैटल, यार ये तो बहुत ही जल्दी आ गई। तो भाई पॉइजन टाइप पोकेमोन ग्राउंड और साइकिक टाइप पोकेमोन से वीक होते हैं, ये तो पता ही था, और ग्रास और फेरी टाइप के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी पता ही था। चलो भाई ये सारी डिटेल्स हटाओ। वैसे एक दिक्कत तो है, हमारे पास कोई सा भी ऐसा पोकेमोन नहीं है जिसे एक साइकिक टाइप मूव आता हो या फिर ग्राउंड टाइप मूव आता हो। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, आगे तो बढ़ते हैं। और भाई ये वाइट वाइट डॉट्स की ये बाउंड्री टाइप की आपको दिख रही है ना, ये बाउंड्री बनाई हुई है, मतलब वाइट वाइट जो डॉट्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में एक बाउंड्री है, इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा। और ये हमारा अपोनेंट आया है ये आर्बोक के साथ। भाई पोकेमोन एनीमे में तो आर्बोक को यार फुद्दू सा पोकेमोन बताया था, बट एक्चुअल गेम में देखा जाए तो आर्बोक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमोन है, इतना स्ट्रांग कि आप उसे अपनी टीम में रख सकते हो भाई। उसकी एबिलिटी इंटिमिडेट और बाकी उसके मूव्स वगैरह भाई बहुत तगड़े हैं यार, अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो। और यहाँ ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, निपटने ही वाला है, और ये निपट गया। इसी के साथ पिकाचू हो गया लेवल 34 का, और डिस्चार्ज सीखने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता डिस्चार्ज सिखाना चाहिए, इलेक्ट्रो बॉल ज़्यादा बेटर मूव है, क्योंकि आगे जाके पिकाचू की लेवल और बढ़ेगी, उसकी स्पीड और बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रो बॉल मूव। तो बाय बाय डिस्चार्ज। और यहाँ एक और आर्बोक आने वाला है, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ चामेलियन को लेके चलें, काफ़ी टाइम हो गया यार चामेलियन से बैटल नहीं करी। अभी आप में से कोई ना कोई कमेंट करके बोलेगा भाई लास्ट पूरा जिम तो चामेलियन से ही निपटाया था। मैं सोच रहा हूँ यार इस जिम बैटल के एंड होते होते मे बी चामेलियन इवॉल्व हो जाए अगर चारिजार्ड में, तो यार मज़ा ही आ जाएगा। बीड्रिल भाई बहुत इजी टारगेट, ये भी एक फ्लोइंग थ्रोअर में निपट ही जाना चाहिए, बच गया यार, बहुत टफ बीड्रिल है, मतलब आबोक वन शॉट हो गया बट बीड्रिल बच गया, कोई दिक्कत नहीं। ये अब फ्लेम बस यूज़ करते हैं और ये बीड्रिल गया। तो चलो भाई ये चाबुक वाले हंटर वाले लौंडे के दोनों पोकेमॉन्स को हमने निपटा दिया है, और अब देखते हैं कि कहाँ से कैसे जाना है हमें। ये जो वाइट वाइट डॉट्स आपको थोड़े से अलग ही दिख रहा है ना, हम इनको क्रॉस नहीं कर सकते, बाकी तो जा सकते हैं हम, बाकी जहाँ जहाँ वाइट वाइट डॉट्स नहीं हैं वहाँ से हम जा सकते हैं, और वहीं से हमें जाना है कोगा के पास। एक और बंदा, इससे ही बैटल करनी ही पड़ेगी, देखते हैं इसके पास कौन कौन से पोकेमॉन्स है। ये तो जगलर है, ये जगलर शॉन क्या कर रहा है यार, है निंजा जिम में ये जगलर कर क्या रहा है, मतलब सर्कस के टट्टू को बिठा के रखा है। और इनका पहला पोकेमॉन था जूबैट, वन शॉट हो गया ये, तो अगला पोकेमॉन भी जूबैट ही है। तो पिकाचू से ही बैटल करें या किसी और को बुलाएं, पिकाचू से ही निपटाते हैं यार, आई थिंक इलेक्ट्रो बॉल में निपट जाएगा, और निपट गया एक इलेक्ट्रो बॉल में ये। चलो भाई अगला पोकेमोन है इनका वेनोनेट, तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि मक को बुलाया जाए यार, एक बैटल मक के साथ भी करते हैं। चलो भाई फ्लिंग यूज़ करके देखते हैं, और भाई फ्लिंग का तो कोई असर ही नहीं हुआ उस पर, आई थिंक जब तक कोई आइटम नहीं रहेगा तब तक फ्लिंग मूव का कोई इफेक्ट होगा नहीं, मतलब बहुत ही बकवास मूव है यार। और बाकी भाई स्लज बॉम्ब वगैरह भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा, वेनोनेट के साइकिक टाइप मूव्स
भयंकर डैमेज दे रहा है यार। और ये बॉडी स्लैम से फाइनली वेनोनेट को निपटा दिया हमने। और इसका अगला पोकेमोन है ग्लूम, ग्रास पॉइजन है यार, पॉइजन टाइप मूव से आराम से निपट जाएगा। स्लज वेव यूज़ करते हैं भाई, ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहे हैं यार स्मक के। मुझे लगा था कि भाई स्लज वेव जहाँ तक है वन शॉट ना करे फिर भी आधे ज़्यादा तो लेके ही चला जाएगा, लेकिन उतना डैमेज नहीं किया यार। स्लज बॉम्ब ज़्यादा इफेक्टिव है यार स्लज वेव के कंपैरिजन में। ऊपर से ग्लूम मेगा ड्रेन यूज़ कर करके हील करे जा रहा है अपने आप को बार बार। इससे बेटर तो यार आईवीसोर लड़ लेता। क्यों माँ, क्या तूने डिसअपॉइंट किया यार इस बार, थोड़ा बुरा लगा मुझे, बट ठीक है यार चलता है। और भाई फाइनली हम आ चुके हैं फ्यूशिया सिटी जिम लीडर कोगा के पास, और ये बोल रहा है बैटल सिर्फ स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं की जाती, पेशेंस स्ट्रैटेजी और स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं बैटल के लिए। तो भाई तुम्हारी बातों से तो हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, और सिर्फ दो पोकेमॉन्स को ले जा सकते हैं हम, तो मैं ले जाऊंगा चार्मेलियन और पिकाचू को। चलो भाई लोग चलते हैं कोगा से बैटल करने के लिए। और भाई जिम लीडर कोगा के साथ बैटल हो चुकी है शुरू। इसका पहला पोकेमॉन वेनोमोथ, भाई बग टाइप पोकेमॉन, साइबीम यूज कर दिया आते ही, वन शॉट हो जाए यार बस, और फ्लेम थ्रोअर से वन शॉट हो गया, बहुत तगड़ा है। इसी के साथ चार्मेलियन आ चुका है लेवल 34 पर, उसका अगला पोकेमॉन गोल्ड बैट। तो भाई स्विच करेंगे पिकाचू पे, फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और गोल्ड बैट काफ़ी फास्ट होता है यार। तो भाई थंडरबोल्ट यूज़ करते हैं और पिकाचू ने पहले हिट कर दिया, और ये गोल्ड बैट डाउन यार, बहुत तगड़े। एक तरीके से देखा जाए तो यार कोगा से टफ तो इसके असिस्टेंट्स वगैरह निकले यार। और इसी के साथ हमें मिल चुका है सोल बैच और TM6 टॉक्सिक, भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा यार भाई। आईवीसोर को टॉक्सिक दिया जाएगा पहली फुर्सत में, और फिर आईवीसोर बैंड बजाएगा यार, कसम से धूम मचा देगा आईवीसोर, मज़ा ही आ जाएगा। नहीं भाई सच में यार ये कोगा को निपटाने में बहुत टाइम लगा, उससे जल्दी तो उसके बाकी जितने चमचे थे, मतलब उससे ज़्यादा देर लग गई उसके चमचों को निपटाने में। चलो खैर जो भी हुआ, ये सोल बैच तो देखें यार कैसा दिखता है, और भाई बहुत सही, हमें हमारा 6th बैच मिल चुका है जो कि ये सोल बैच। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं कि फ्यूशिया सिटी किस टाइप की और कैसी है। ये आ चुके हैं फ्यूशिया सिटी में। तो भाई अगर आप लोगों को आप आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।